माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं नाउन के नंबर्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। करीब 30-40 के आसपास क्वेश्चन हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने यह सीखा था कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो वाइस वर्सा हो गया, प्लूरल को सिंगुलर कैसे बनाएंगे। आज के सेशन में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। एक छोटा सा प्रयास था कि आपको ये बता सके सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो फिर प्लूरल से सिंगुलर आप अपने आप समझ जाएंगे। उसी पर थोड़े से क्वेश्चन बनाए हैं, उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत उपयोगी होगा, बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने वो वाला नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें, वरना उस ये क्वेश्चन आपको समझ में कम आएंगे। अगर आपकी ठीक ठाक अंग्रेजी तैयार है, नाउन को आप प्लूरल बनाना अच्छे से जानते हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ कन्फर्म करना चाहते हैं या आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आधे घंटे का है, देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि ये सेट आप लोगों ने सॉल्व पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि उसी डिस्कशन वाले वीडियो में जिसमें हमने रूल्स बताए थे उसी के साथ में इसका PDF अटैच कर रखा था। तो आई थिंक कि आप लोगों ने PDF सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले PDF सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इस पर आइए, ठीक है। तो और इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने PDF का लिंक दे रखा है, अगर पीछे नहीं जाना चाहते तो इसी में से देख लो। पर हाँ, ये सेशन करो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद, फिर ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और देखो, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नाउन के प्लूरल सिंगुलर से ही रिलेटेड होंगे। तो इन्होंने पूछा कि प्लूरल ऑफ गूज क्या होगा। तो प्लूरल ऑफ गूज क्या होता है, देखो जब बीच में डबल ओ लगा होता है, फूट है, टूथ है, उन सब का प्लूरल क्या होता था, गीज। मैंने कहा था ये डबल ओ हट के क्या हो जाता है, डबल ई हो जाएगा, गूज का गीज हो जाता है। तो गीज होगा तो क्या ये गीज होगा, बिल्कुल नहीं, गीजेस नहीं होता, गैंडर होता, गैंडर उसका मेल होता है, गैंडर क्या है इसका मेल है, और गूज क्या है इसकी फीमेल है, ठीक। तो आपका होगा क्या, एक्चुअली प्लूरल होगा गीज, गूज का गीज, आंसर क्या होगा डी। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं या धोखा खाए हैं तो इसको ठीक से तरह समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लूरल ऑफ लाउस, लाउस और माउस दो हैं, लाउस और माउस दो ऐसे हैं जिनमें मैंने बोला था कि ये क्या बन जाता है, लाउस का लाइस बन जाता है और माउस का माइस बन जाता है। तो लाउस का प्लूरल क्या होगा, ये होगा लाइस। अगर आपने ये लगाया होगा तो गलत है, लाइसेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट लाइसेस, लाइस ऑलरेडी प्लूरल है, लाइस इज ऑलरेडी प्लूरल, डोंट एड एस, ठीक है। तो लाइस होगा, लाइसेस नहीं होगा अगर आप सोच रहे हो तो आ जाओ नंबर थ्री पर, ठीक है। नंबर थ्री दिया है प्लूरल ऑफ टूथ, तो जैसे गूज का था वैसे ही टूथ का भी है, टूथ का प्लूरल, और अगर नीचे फीट मिल जाएगा तो उसका भी ध्यान देना, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, डबल ई हो जाएगा, ठीक। तो टूथ का प्लूरल क्या होगा, ये होगा टीथ, ये टूथ्स और ये टीथ्स और ये टीथेस, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, वो आपको धोखा देने के लिए है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हमें रूल रिवाइज करने की ज़रूरत है तो यहीं पर रुक जाइए और वो वाला वीडियो, पिछला वीडियो देख के रूल्स रिवाइज कर लीजिए। अब आ जाओ प्लूरल ऑफ लेडी, तो ये ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में वाई है और वाई के पहले कंसोनेंट है, और एंडिंग विद वाई एंड हैविंग कंसोनेंट बिफोर इट इज चेंज बाई वाई चेंजिंग इंटू आई ई एस। तो लेडी की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेडीज, सी वाला, ठीक है, क्लियर हो गया, ये वाला लेडीज नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसको। प्लूरल ऑफ लाइफ, तो लाइफ के लास्ट में क्या लगा है, एफ ई, तो एफ ई हट के क्या हो जाएगा, ये वी ई एस हो जाएगा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, याद रखिएगा, सारे एफ ई एंडिंग वी ई एस में नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, वो कौन कौन से हैं ये चेक करिएगा, ठीक है। ये है लाइफ्स होगा इसका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स में, सिक्स क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर सिक्स है प्लूरल ऑफ रेडियस, वही ग्रीक और रोमन वाला जिसके लास्ट में यू एस होता है, तो मैंने कहा था यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो एक आई इसमें ऑलरेडी है, रेडियस में एक आई ये पहले से लगा है, एक आई बाद में लगा दो, हो गया क्या, रेडियाई, तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेवन, क्या है क्वेश्चन नंबर सेवन, प्लूरल ऑफ लग्जरी,
आर के बाद वाई लिखा है, वाई एंडिंग उसके पहले आर दिया हुआ है, कंसोनेंट है, तो ये वाई हटेगा, आई ई एस हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका ए वाला हो गया, लग्जरीज। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हैंडफुल। मैंने कहा था कि फुल, जब किसी वर्ड में फुल जुड़ा हो और उसका प्लूरल बनाना हो तो फुल में एस लगा दो, तो क्या हो गया, हैंडफुल्स। हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, हैंडफुल लिखा है, एस लगा दो, हैंडफुल्स हो जाएगा। ठीक, ये हैंड में एस नहीं लगेगा, और हैंड में और फुल में दोनों लगा दिया है, यहाँ देखो हैंड में एफ यू डबल एल कर दिया, ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, पिछला वीडियो कुछ बातें याद आ रही हैं, कन्फर्म हो रहा है, अब लग रहा होगा हाँ मज़ा आ रही है। ठीक है, आगे आ जाओ मोनार्क। मोनार्क में एंडिंग क्या हो रही है, सी एच, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, का। इफ़ सी एच इज प्रोनाउंस्ड एज का, इट टेक्स ओनली एस टू मेक प्लूरल, तो क्या होगा, केवल बी मोनार्क्स ये वाला होगा, मोनार्चेज नहीं करना है इसको। नेक्स्ट वर्ड है जीरो, तो ओ, ओ के पहले क्या लगा है, कंसोनेंट, अगर लास्ट में ओ हो उसके पहले कंसोनेंट हो तो क्या हो जाता है, ई एस, एक्सेप्शन क्या है, फोटो पियानो, ये छोड़ करके, तो जीरो का प्लूरल क्या होगा जी, जीरो में क्या लगाना है, ई एस लगाना है, तो कौन सा हो गया, ये बी वाला हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या है, जू, जू का प्लूरल बनाना है, तो लास्ट में क्या रहा है, डबल वावल, अगर डबल वावल दिया होता है तो क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं, तो कौन सा होगा, ए वाला हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला दिया है ऑक्स, इस पर स्पेशली मैंने बताया था कि जिनके भी लास्ट में एक्स होता है उसमें लगाते हैं हम ई एस, लेकिन एक एक्सेप्शन था ऑक्स, ऑक्स में हम क्या लगाते थे प्लूरल बनाने के लिए, ई एन लगाते थे, तो ऑक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सन होगा भैया, ऑक्सेज मत लगाना। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 क्या रहा है, प्लूरल ऑफ मीडियम, मीडियम में क्या लिखा है, लास्ट में यू एम लिखा है, मैंने कहा था इसको हटा के क्या कर दो, ए कर दो, मीडियम का प्लूरल क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, मीडियम्स मत करना, मीडिया है इसका। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, उसमें जब हम पढ़ाए थे तो ये एग्जाम्पल में था, अगर कंसोनेंट के साथ वाई है तो वाई का प्लूरल क्या हो जाएगा, आई ई एस कर दो इसको, हो गया, तो सिटी का प्लूरल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, सिटीज होगा। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है, तो डॉग का सिंगुलर है इसका डॉग्स होता है, गोट सिंगुलर है इसका गोट्स होता है, ये सब सिंगुलर है, ऐसे नहीं जी, ऐसे डॉग क्या है, सिंगुलर है, गोट क्या है, सिंगुलर है, फॉक्स क्या है, सिंगुलर है, माइस आपको लग रहा होगा सिंगुलर है, नहीं यही प्लूरल है, ये किसका प्लूरल है, याद करो थोड़ी देर पहले लाउस लाइस की बात कर रहा था, तो मैंने बताया था माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, तो ये माइस क्या है, ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, इनमें से कौन सिंगुलर है जी, तो देखो कैट्स में एस लगा है ये तो प्लूरल है, डॉग्स में प्लूरल है, मैथमेटिक्स में भी एस लगा तो है लास्ट में, लेकिन एक सब्जेक्ट का नाम है तो सिंगुलर होगा, कार्स जो है वो प्लूरल है, तो कोई सब्जेक्ट का नाम जिसके लास्ट में एस है, जैसे मैथमेटिक्स में एस लगा, फिजिक्स है, डायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के लास्ट में एस लगा होता है, बट इफ़ इट इज़ द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट इट कैन नॉट बी प्लूरल, अगर किसी सब्जेक्ट के नाम में एस लगा है तो वो प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है। ठीक, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है बट वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिबन वर्ड, किसका, लीफ का सिंगुलर आपको ढूंढना है, एल ई ए वी ई एस, तो आप L E A रखो, ये जो V E S है इसकी जगह क्या रहा होगा, F रहा होगा, आ जाओ लीव, ये होगा नहीं, ये लीफ होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्या होगा, ये वाला लीफ होता है, इस वाले में F के बाद E नहीं होता इसलिए गलत हुआ, आंसर कौन सा हो गया, आंसर हुआ B। ठीक है, पढ़े रहो, रूल पढ़े रहो तो बड़ा मज़ा आता है, बड़े आराम से बड़े कंसेप्ट के साथ ये हो जाएगा। अगला लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ इनटू वी ई एस, इसमें से कौन सा वर्ड है जिसमें
लास्ट में एफ आए और उसको वी ई एस में चेंज करके आप प्लूरल बना सकते हो। किसको बना सकते हो? तो देखो एक्सेप्शन छांट लीजिए, बाकी बन जाएंगे। चीफ एक्सेप्शन है, चीफ में केवल एस लगता है। रूफ एक्सेप्शन है, केवल एस लगता है। गल्फ एक्सेप्शन है, केवल एस लगता है। थीफ में क्या होता है? थीफ में भी ई एस लगता है। ठीक है ना, आपको याद होगा? नहीं याद हो तो फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इसमें शर्माने की बात नहीं है। अकेले बैठे अपने घर में हो, कौन ये कहेगा कि तुम्हें ये भी नहीं आता? कोई बात नहीं, आता ना आता से मतलब नहीं। अगर अभी लग रहा हो कि हम देख लें तो पलट के उस वीडियो को देख लो भाई, एक बार कन्फर्म हो जाएगा, फिर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, 19 पे आ जाओ। 19 पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाई एडिंग ई एन? ई एन वो याद आया आपको, ऑक्स में प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज हम लोग करते थे? ई एन। ठीक है, इकलौता वर्ड, तो फॉक्स नहीं है, ऑक्स है, इसी में हम लोग ई एन लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है कि प्लूरल ऑफ क्विज, क्विज का प्लूरल क्या है? तो क्विज के लास्ट में क्या है? जेड है, तो लास्ट में जेड होता है तो प्लूरल किससे बनता है? ई एस से बनता है। तो ये वाला क्विजेस नहीं होगा और ई एस लगेगा, ये एस ई एस हो गया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्विज का जो प्लूरल है एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। होना क्या चाहिए? एक आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि क्विज का जो प्लूरल होगा क्यू यू आई हुआ और ये जेड है। अब इसमें हमें लगाना क्या था? प्लस ई एस लगाना था, किसी में नहीं है, डबल जेड हो गया और ये सिंगल जेड के बाद एस लगा, ई गायब कर दिया और ये एस ई एस कर दिया, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। 21 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड बाय प्लूरल बाय एडिंग एस, इसमें से किस में केवल एस लगा के बना सकते हो? क्विज की अभी बात की थी मैंने, इसमें ई एस लगेगा। स्टमक, स्टमक में सी एच का प्रोनंसिएशन का है तो इसमें केवल एस लगेगा। मैंगो में ई एस लगेगा और कैच में ई एस लगेगा। ठीक है, तो यही एक स्टमक है जिसमें हम केवल एस लगा के बना सकते हैं। क्यों स्टमक में केवल एस लगता है? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, इसमें कौन से ऐसे हैं जिनमें केवल एस लगा के बना सकते हो? मॉस्किटो में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। फोटो में क्या लगता है? यही एक्सेप्शन था, केवल एस लगता है। बैच में ई एस लगेगा और टैक्स में ई एस लगता है, केवल फोटो एक्सेप्शन है, इसके लास्ट में ओ है तो, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। प्लूरल ऑफ वेली, ये हमारे डिस्कशन में था। वेली, वेली में लास्ट में क्या है? वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या है? ई, वावल है, तो इसका मतलब केवल एस सिंपल जोड़ लिया जाएगा, तो आई ई एस नहीं होगा, ई वाई एस हो जाएगा, ये बी वाला सही होगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, तो केवल बी वाला होगा इसमें। आप आ जाओ 24 में। ठीक, 24 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस, कौन है जिसमें केवल एस लगा करके प्लूरल बना सकते हो? तो कंट्री में तो नहीं बनेगा, कंट्री में आई ई एस होना है, और ऐसे है, ऐसे में केवल एस लगा सकते हो। मॉस्किटो में ई एस लगाना पड़ेगा, और थीफ में क्या हो जाता है? थीफ का भी ई एस हो जाएगा, तो यही बी वाला ऑप्शन ही तो बच रहा है जिसमें केवल एस लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, मज़ा आ रही है? जो उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका आनंद आज मिल रहा होगा, उठाओ आनंद लो। ठीक है, इसीलिए बनाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट प्लूरल, इसमें से करेक्ट प्लूरल कौन है ये बताना। स्टूडियोज करेक्ट होगा, देखो आई ओ लगा हुआ है, लास्ट में डबल वावल होता है तो केवल एस यूज किया जाता, ई एस नहीं यूज किया जाता, गलत है। माउस का प्लूरल माउसेज नहीं होता, माइस होता है, ये गलत है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है, ये गलत है। ठीक, अब आ जाओ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में एल आई ओ है, ओ है, अभी इसमें डबल वावल हो गए तो केवल एस लगना चाहिए, यही वाला सही प्लूरल है, बाकी ऊपर वाले सारे गलत हैं। अब आगे आ जाओ 26 पे।
26 क्या करा, प्लूरल ऑफ गर्लफ्रेंड इज, गर्लफ्रेंड का प्लूरल क्या होगा। कुछ लोग मन ही मन मुस्करा रहे होंगे हैं कि मतलब एक नहीं, गर्लफ्रेंड की प्लूरल हो तो अच्छा ही है। बच्चा जिस दिन सर के बाल नोचे जाएंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि गर्लफ्रेंड प्लूरल में होना कितना खतरनाक होगा। ठीक है, चलो, अच्छा मजाक की बात थी, अब हम लोग गर्लफ्रेंड का प्लूरल बनाते हैं। तो गर्लफ्रेंड में देखो कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, गर्ल या फ्रेंड, तो फ्रेंड में आएगा। तो क्या होगा, गर्ल्स फ्रेंड नहीं, ये गर्ल्स फ्रेंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गर्लफ्रेंड्स होगा। ठीक, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक, क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। ठीक है, प्रैक्टिस में मैंने, प्रैक्टिस में नहीं, डिस्कशन वाली क्लास में मैंने कराया था इसको, एग्जाम्पल में भी यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल वर्ड, इसमें कौन सा है प्लूरल वर्ड, ओवम, यू एम लगा होगा तो सिंगुलर होगा, क्राइटेरियन, ओ एन लगा होगा सिंगुलर होगा, अब यू एस लगा है सिंगुलर, फंजाई, फंगस का क्या था, फंगस का प्लूरल फंजाई था। ठीक है, एफ यू एन जी आई, ये फंजाई जो है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, आगे आ जाओ, अब अगला है, इसमें से कौन प्लूरल है, ये देखो प्लूरल, कौन प्लूरल, न्यूज प्लूरल है, नहीं न्यूज सिंगुलर होती है, ये सिंगुलर है। वर्मिन क्या होता है, वर्मिन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े होते हैं, तो ये प्लूरल है, ये वर्ड जो होता है ना ये प्लूरल होता है, जैसे वर्मिन है, वैसे ही एक वर्ड और होता है कैटल, कैटल क्या होता है, प्लूरल होता है, वर्मिन क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें एस नहीं लगाया जाता, इट इज़ ऑलरेडी प्लूरल बाई बर्थ, इट इज़ प्लूरल। ठीक, इसका सिंगुलर पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं, पैदाइशी प्लूरल है ये। ठीक, और ये कौन कौन से वर्ड इस तरह के हैं जो पैदाइशी प्लूरल पैदाइशी सिंगुलर है, ये जानना है आपको। तो हमारा वो जो नाउन वाला, केवल नाउन का वो जो एसएससी और बैंक वाला सेशन हमने डाला था नाउन की एरर से रिलेटेड, उसमें ये पूरा का पूरा सेशन है, वहाँ देख डालिए। ठीक है, और पीपल क्या होता, पीपल प्लूरल है, ठीक है ना, ये भी प्लूरल वर्ड है, इसमें तो क्वेश्चन गलत हो गया। मैथमेटिक्स क्या है, वो सिंगुलर है, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया बेटा, मैं बना रहा था, यानी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल वर्ड, और इसमें दोनों प्लूरल हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने दो दो ऑप्शन प्लूरल का दे दिया है, कोई बात नहीं, पर मैं समझा भी दे रहा हूँ कि इसमें वर्मिन और पीपल दोनों प्लूरल है, मुझे इसमें एक को रखना चाहिए था, एक्चुअली मेरा पर्पज पीपल वाला नहीं था, पीपल तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, पर अभी तो आपका आंसर सही हो गया, क्योंकि आपने पीपल लगाया होगा, ये प्लूरल है और ये वर्मिन है, ये भी प्लूरल है। ठीक है, दोनों प्लूरल हैं, दो आंसर हो जाएगा इसका, बी एंड सी दोनों। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आ जाओ 29। पेपर बनाने में कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं, एक आध दो, बहुत ध्यान रख के बनाया जाता है, फिर भी कभी न कभी चूक हो जाती है, एक सेकेंड के लिए दिमाग कहीं गया तो कुछ दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं, कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई मिस्टेक होने ना पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर वर्ड, अब इसमें कौन सिंगुलर है, तो कैटल अभी बताया था, वर्मिन की तरह कैटल भी क्या है, प्लूरल है, जेंट्री क्या है, प्लूरल है, समन्स क्या है, सिंगुलर है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। अब देखो धोखा कैसे होती है, समन्स में एस लगा हुआ है, ये वर्ड देखो इसके लास्ट में क्या लगा, एस लगा है, ये धोखा देगा कि प्लूरल है, बट ऐसा मैंने बोला था ना कि हर वर्ड जिसके एंड में एस हो प्लूरल नहीं होता है, उसमें बहुत से ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं। ठीक है, तो समन्स क्या है, सिंगुलर वर्ड होता है, समन मतलब कोर्ट का आदेश होता है, अरे जो समन वगैरह घर पे आया करता है वही है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगुलर वर्ड, इसमें से सिंगुलर कौन है, डेटा, याद करो डेटम का प्लूरल होता है डेटा, प्लूरल, मीडिया, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ये भी प्लूरल है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा सिंगुलर होता है, क्योंकि वर्टिब्रा का जो प्लूरल होता है वो वर्टिब्री हो जाता है, जिसमें लास्ट में ए ई लग जाता है, तो इसका प्लूरल कौन सा होगा, सिंगुलर कौन सा होगा, वर्टिब्रा, ये सिंगुलर है, वर्टिब्री इसका प्लूरल होता है, बाकी ऊपर वाले सब के सब प्लूरल होते हैं। आगे आ जाओ, 30 क्वेश्चन हो चुके हम लोगों के और 30 ही क्वेश्चन बने थे। ठीक, तो आज हम लोगों ने नाउन के सिंगुलर से प्लूरल करने पर कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का वो कन्फ्यूजन में चला गया होगा, कन्फ्यूजन का आपने पेपर लगाया होगा, सही ही होगा, वो सही है आंसर। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किए, और इसके पहले हमने इससे रिलेटेड रूल्स आप लोगों को भेज दिए थे, समझा दिए थे।
ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई थिंक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा ही होगा अगर आपको ये चीज़ें बहुत पहले से तैयार सब कुछ रही होंगी तो कोई बात नहीं, तब तो उब गए होंगे, नहीं तो प्रैक्टिस में आपको आनंद आया होगा। फिलहाल जो नए हैं वो, जो पुराने हैं वो, सबको ध्यान में रख करके बनाया गया था सेशन। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर शेयर ज़रूर कर दो, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। इतने भी सेल्फिश ना बनो कि केवल मेरा ही फ़ायदा हो, हम दूसरों को फ़ायदा नहीं देंगे, ठीक है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, शेयर किया करो, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।